दोस्तों आज के समय में कोई भी यूजर 6 महीना 1 साल या 1.5 साल इससे ज्यादा कोई भी फोन यूज नहीं करना चाहता। कोई भी कंपनी का फोन लेते हो तो 1 साल 1.5 साल होते होते फोन भी स्लो होने लगता है, पुराना होने लगता है और हमें लगता है कि यार नए मॉडल में हमें अपग्रेड करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पुराना वाला फोन होता है अपने किसी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को दे देते हैं, या तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है ऑनलाइन सेल कर देते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए जैसे हो गया कैसीफाई फोन कैसे, या तो फिर ओएलएक्स पर किसी अनजान व्यक्ति को बेच देते हैं। तो अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को कोई भी फोन दे रहे हैं, कोई भी कंपनी में हम बेच रहे हैं, ऑनलाइन किसी को सेल कर रहे हैं, तो इससे पहले हम बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि क्या करते हैं हम कि सिर्फ वहां पे फोन का डेटा फैक्टर रिसेट कर देते हैं, मतलब डेटा जो भी होता है इरेज हो जाता है एक बार के लिए और हम बहुत ही आसानी से किसी को पकड़ा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो क्या कुछ करना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर हम डेटा के फैक्टर रिसेट कर देते हैं और कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर आता है तो बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हैं, हमारा डेटा कोई भी ले सकता है। क्या कुछ करना चाहिए हमें, किसी भी नए पुराने फोन को नए व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति को बेचने से पहले, चले जानते हैं स्टूडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कोई भी मेमोरी जो फोन के अंदर आपने रखा है, मेमोरी जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसके अंदर कोई भी आपने डेटा डाल रखा है तो वो डेटा हमेशा के लिए इरेज नहीं होता अगर आप उसका डेटा फैक्टर रिसेट करते हो एक बार। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो मेमोरी अलोकेटेड है तो वहां पे से वो हट जाता है। लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको, प्ले स्टोर पे ले लीजिए या तो फिर अननोन सोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, इनका काम क्या होता है, जो भी फाइल जो भी फॉर्मेट जो भी डेटा डिलीट हो गया उसे रिकवर लेना। तो अगर आप किसी फोन को किसी अनजान व्यक्ति को बेच रहे हो या तो फिर कोई कंपनी में कहीं पे भी ऑनलाइन आप बेच रहे हो, अब किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया आपने आपका डेटा जो भी था फैक्टर रिसेट करके दे दिया, अब क्या करता है वो व्यक्ति अगर जाकर वहां पे उस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज करके वहां से डेटा रिकवर करता है, आपका बैंक डिटेल हो गया, आपका फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब निकाल लेता है। तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आप सोचेंगे कि हम करें तो करें कि अगर हमें पुराना फोन बेचना हो तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि जैसे कि कोई भी फोन अगर आप पुराना फोन अपना सेल कर रहे हो किसी नए व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को किसी कंपनी में, तो सबसे पहले आपको उस फोन का पूरा रिसेट करना है, फैक्टर डेटा रिसेट तो करना ही है। करने के बाद जब आप फोन को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद जितनी मेमोरी आपने यूज की थी उतनी मेमोरी का उसमें कुछ भी जंक फाइल फोटोज वीडियोस जो आपके रिलेटेड जो आपके इंटरेस्ट के बेस पे नहीं होगा, जैसे कोई भी मूवीज वगैरह उसमें भर दिए, किसी के फोन से आप उसमें डेटा ट्रांसफर करके उतनी मेमोरी आप भर दीजिए जितना आपने यूज किया था, और उतना मेमोरी आप एक बार भर देते हो उसके बाद में फिर से उसे डेटा रिसेट कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि आपका जो भी पुराना वाला कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। अब कोई अगर रिकवर करता है इसे तो जो आपने वीडियोस फोटोज वगैरह सेकंड टाइम डाले थे वो रिकवर होता है। तो इस तरह से करके आप अगर अपने पुराने फोन को किसी के साथ सेल करते तो आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है किसी भी पुराने फोन को सेल करने से पहले। तो होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।